जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे। डेली लेवल एनालिसिस है निफ्टी स्पॉट एंड बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल। स्टॉक्स के तो लेवल नहीं दिए मैंने, लेकिन निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी और ऑप्शन के लेवल दिए हैं 12 अप्रैल 2022 के लिए। आज FII ने अच्छा खासा माल बेचा है, कैश में भी बेचा है, निफ्टी फ्यूचर में बेचा है, कॉल ऑप्शन में भी बेचा हुआ है, तो अच्छा खासा माल बेचा है। तो कल बाजार हिसाब से नीचे क्यों रहना चाहिए, चलिए डाटा एनालिसिस करते हैं और 12 अप्रैल को क्या होगा उसके एनालिसिस करते हैं। चलिए स्टार्ट। ग्यारह अप्रैल 2022 के डाटा है जो अपने 12 अप्रैल 2022 के एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट BII, FII प्रो यानी HNI प्रोप्राइटरी और HNI अकाउंट। क्लाइंट 6,284 इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग थे एक दिन पहले, आज उन्होंने 25,410 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए, तो नेट बेसिस पे 31,694 कॉन्ट्रैक्ट उनके प्लस के हैं। BII 54,996 थे कॉन्ट्रैक्ट, आज 609 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए, नेट बेसिस पे 54,387 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट चल रहे हैं। FII इंडेक्स फ्यूचर में 51,305 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे एक दिन पहले, आज उन्होंने 24,263 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, घटा दिए अपने लॉन्ग में से, तो नेट बेसिस पे 27,042 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऐड है, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई। प्रो एक दिन पहले 2,593 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, आज उन्होंने 1,756 और बढ़ा दिए इंडेक्स फ्यूचर में, तो नेट बेसिस पे 4,349 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के रहते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अब चलते हैं कॉल ऑप्शन पुट में, वहाँ देख लेते हैं अपने क्या है। क्लाइंट एक दिन पहले 44,666 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे इंडेक्स कॉल में, आज उन्होंने 97,469 ऐड कर दिए, तो नेट बेसिस पे 1,42,135 कॉन्ट्रैक्ट उनके कॉल के प्लस है, अच्छी खासी क्वांटिटी प्लस है। FII एक दिन पहले 91,661 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, आज उन्होंने 27,545 कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिए, घटकर अब 64,116 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल के लॉन्ग है। प्रो एक दिन पहले 1,37,306 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, आज उन्होंने 69,924 और ऐड किए शॉर्ट के, तो नेट बेसिस पे 2,07,230 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के कॉल में। अब चलते हैं अपने इंडेक्स पुट में। इंडेक्स पुट में क्लाइंट एक दिन पहले 2,27,714 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, आज उन्होंने 16,459 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए शॉर्ट के, यानी 2,44,173 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट के शॉर्ट है, यानी तेजी के लिए। DII सेम है। FII एक दिन पहले 2,25,638 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे पुट के, आज उन्होंने 51,5162 कॉन्ट्रैक्ट कम किए लॉन्ग के, फिर भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 2,20,476 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग है। प्रो एक दिन पहले 23,725 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, यानी तेजी थे, आज उन्होंने वाइंड अप कर दिया, बाई कर लिए 21,621 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उनके शॉर्ट 2,104 कॉन्ट्रैक्ट नहीं के बराबर है। कंक्लूजन ये निकलता है FII तो देखिए आप 2,20,476 कॉन्ट्रैक्ट पुट में लॉन्ग है और कॉल में भी उन्होंने घटा दिए और फ्यूचर में अच्छी खासी क्वांटिटी कम हो गई है, तो बाजार नीचे की ओर तो लग ही रहा है। अब होगा कि नहीं होगा, या 4 दिन की छुट्टी आ रही है इसलिए वो भी लॉन्ग उतना नहीं रखना चाहते, ये भी हो सकता है, ज़्यादा नीचे नहीं जावे, 100-150 निफ्टी नीचे जावे 17,500 तक, क्यों परसों बुधवार है उसके बाद लॉन्ग छुट्टी हो जाएगी 4 दिन की, फिर सोमवार को बाजार खुलेंगे, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि वो भी अपने स्टेक्स घटा रहे हैं। तो बाजार कल तो नीचे की ओर रहना चाहिए और अपने लेवल दिए, लेवल में देखेंगे और कैश में क्या करके गए अपने वो देखते हैं। कैश में FII ने 1,145 करोड़ का माल बेच दिया, DII ने उसके सामने 486 करोड़ का माल बाई किया। अब इंडेक्स ऑप्शन में चले जाते हैं, ऑप्शन चेन में।
ऑप्शन चयन में आप देख सकते हो 17,700, इसके नीचे सेल और मैक्स टू मैक्स 17,800 तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स। लेकिन वो सेल ऑन राइज रहेगा, 17,700 के नीचे सेल रहेगा, आपका सपोर्ट जो रहेगा 17,600, या भी पुट अनवाइंडिंग हो रही है 17,550 और 17,500, ये तीन फिगर कल के रहेंगे। और ये तोड़ दिया तो 400 के पास रहेगा, फिर 17,500 तोड़ देते तो 17,400 बस। हर 100 पॉइंट के लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, माने 17,500 से लेके 17,800 का कल का रेंज रखिए निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपका ऊपर में रेजिस्टेंस 38,000 पकड़ लीजिए मैक्स टू मैक्स, और 37,700 और 37,800 के नीचे सेल रहेगा। सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 37,500 का, सबसे बड़ा सपोर्ट है, हर्डल है, और उसके बाद 37,300, फाइनल 37,000। 37,000 से 37,800 तक का कल का रेंज रहेगा बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं अपने वर्ल्ड मार्केट क्या है वहां देख लेते हैं। डाउ जोन अच्छा खासा महीने से 0.5% 0.5% आप देख सकते हो 34,543, S&P 500 0.25% डाउन है अच्छा खासा, और ये 0.25% ये है नैस्डैक। निफ्टी फ्यूचर सिंगापुर निफ्टी फ्यूचर दिखा रहा है 17,673, अभी कुछ नहीं दिखा रहा खास, कल सुबह ही पता चलेगा फाइनल। USD INR 75.87, इंडिया विक्स 18.27 बन रहा, S&P 500 विक्स फ्यूचर 24 चल रहा है, कुछ बड़ा है विक्स, और डॉलर इंडेक्स फ्यूचर 99.94 है। US ट्रेजरी बॉन्ड अच्छा खासा ऊपर चल रहा है 2.75, ब्रेंट क्रूड नीचे में है 98.39, 4% डाउन चल रहा है। एक अच्छी बात है ब्रेंट क्रूड नीचे है लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड 2.75 है, इसलिए खतरे की घंटी तो है भैया, नीचे की ओर तो जाना ही चाहिए। ब्रेंट क्रूड में अपने को नो डाउट फायदा है। अब चलते अपने वापिस अपनी सीट पर। यदि आपको डाटा एनालिसिस लेवल अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं प्लीज़ 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 चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब चलते स्लाइड्स की ओर और वहाँ पर लेवल नोट कर ले। मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़े, और मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही मेरे लेवल पे ट्रेड करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसका जिम्मेवार मैं और मेरा चैनल नहीं है। ट्यूसडे 12 अप्रैल 2022 निफ्टी स्पोर्ट बिलो 17,701 के नीचे सेल रहेगा, रजिस्टर ऊपर में 17,752 17,780, सपोर्ट 17,625 17,573 और 17,500 तक आ सकता है। जहां बड़े वहां बेच कर भी खेल सकते हो, 17,750 40,50 कहीं भी मिले तो बेच के खेल सकते हो। उसके बाद आपको निफ्टी 17,500 का पुट वीकली वाला अबव 60 के ऊपर बाई की है, सपोर्ट 32.5 का रखिए, रजिस्टर 86 और 114 तक जा सकता है। ट्यूसडे 12 अप्रैल 2022 के लिए निफ्टी 17,500 का कॉल, ये 17,500 निफ्टी आए 550 तब वहाँ लीजिएगा डीप एट 86, सपोर्ट 63.43 43.15, रजिस्ट्रेशन ओपन ओपन यानी
20 25 30 पॉइंट मिलते रहे, लेवेज करते रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्यों, बुधवार को क्लियरिंग है तो मार्केट में ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है, ये आपको मैं बता दूँ। उसके बाद आ रहा है निफ्टी 17,500 का पुट है, मई एक्सपायरी वाला, एबो 321 के ऊपर बाई की है, सपोर्ट 285 रखिए, क्लोजिंग में सपोर्ट रखेगा, रही से 352 383 और 415 तक जा सकता है, एक दो दिन होल्ड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी स्पोर्ट ट्यूसडे 12 अप्रैल 2022, बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 37,690 के नीचे सेल रहेगा, रेजिस्टर ऊपर में 37,865 और 37,940 जो आज का हाई है, सपोर्ट नीचे में 37,445 37,350 और 37,150 तक बैंक निफ्टी स्पोर्ट आ सकता है। ट्यूसडे 12 अप्रैल 2022 के बैंक निफ्टी 37,500 का पुट वीकली वाला एवो 220 के ऊपर बाई कीजिए, सपोर्ट 148 का रखिए, रेजिस्टर 338 और 300-434 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी 37,000 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 440 के पास लीजिएगा, ट्राई करना है, सपोर्ट 365 और 291 रहेगा, 400 और रेजिस्टेंस ओपन रहेगा, 50-100 पॉइंट मिलता रहेगा, लेवरेज करते रहेगा, जैसे 440 पे रुकना चाहिए तो वहां पे रुके तो वहां लीजिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, 50-60-70-80 पॉइंट मिले बेचकर निकल जाइए, फिर उसको तोड़ दे 440 को तो 365 के पास लीजिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, फिर वहाँ से 50-60-70 पॉइंट मिले बेच दीजिए, फिर वो तोड़े तो 290 के पास ट्राई कीजिए 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, इस तरह कीजिएगा कॉल में। इफ यू लाइक आवर स्टॉक्स लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस प्लीज प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यदि आपको मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स और ऑप्शन लेवल और डाटा एनालिसिस अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और पास वाली बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। यदि आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स और ऑप्शन लेवल पर ट्रेड लेने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर ही मेरे स्टॉक्स लेवल पे काम करें, यदि आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है इसका जिम्मेवार मैं या मेरा चैनल नहीं है। This slides video is for education learning purpose only. Any query, WhatsApp numbers 9830555353. Thank you for watching our channel. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र जोशी।